ये देखिए आप, ये टाइगर के पगमार्क हैं यहाँ पर, इसको हमने राउंड कर दिया है। देखिए दोस्तों, ये काफ़ी जानवरों के यहाँ पगमार्क मिले हैं, और लेपर्ड यहाँ छुपे हुए होते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग, स्वागत है आपका नए ब्लॉग में। आज हम आए हैं सीतामढ़ी जोन, आज हम आपको दिखाते हैं टाइगर की साइटिंग। तो गर्मी का समय है, देखते हैं टाइगर मिलता नहीं मिलता, और बाकी वन्य जीवों को भी दिखाते हैं, तो आप बने रहें हमारे साथ। देखिए दोस्तों, चौकी आ गई है, ये सामने चौकी है वन विभाग की, और ये पैरियर लगा हुआ है यहाँ पर, और बाकी हम आगे जाने का प्रयास कर रहे हैं। हम आपको बताते हैं कि सामने काफ़ी टूरिस्ट खड़े हैं यहाँ पर, काफ़ी अच्छा व्यू है। ये देखिए जिप्सी। और दोस्तों, आज आप गर्मियों का मौसम है, आप लगातार टूरिस्ट आते रहेंगे यहाँ पर, क्योंकि टूरिस्टों का तो फेवरेट जगह है जिम कॉर्बेट पार्क। दोस्तों, आप कभी भी आए यहाँ पर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, तो आप सीतामढ़ी जोन जरूर देखें, कि बहुत ही सुंदर जगह है, और काफ़ी यहाँ पर रेस्टोरेंट और होटल वगैरह है जो आपको किफ़ायती रेटों पर रूम मिल जाते हैं। तो देखिए, यहाँ कोसी नदी है सामने, और अभी पानी कम है क्योंकि बरसात नहीं पड़ी है, और जब बरसात पड़ जाएगी तो काफ़ी अच्छा मौसम है। और मैं आपको दिखाता हूँ कि रिवर साइड में जाकर हो सकता टाइगर वहाँ पानी पीने के लिए आया हो, तो दोस्तों बने रहे हमारे साथ। और काफ़ी, देखिए इस समय कोई भी नहीं, यहाँ पर दोपहर का समय हो रहा है 2 बजे का, और हम आपको लेकर चलते हैं रिवर साइड, तो आप बने रहे हमारे साथ, मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, सामने यहाँ पर रोड है, हमारे यहाँ गाड़ी खड़ी है सामने, और यहाँ से सीधा रास्ता जाता है रिवर साइड के लिए, और हम देखते हैं कि हो सकता है कुछ वन्य जीव पानी पीने के लिए आए हों यहाँ पर, तो आप बने रहे हमारे साथ। देखिए दोस्तों, कितना उबड़ खबड़ रास्ता है यहाँ पर, और इसी बीच में वन्य जीव जैसे स्पॉटेड डियर या लेपर्ड यहाँ छुपे हुए होते हैं, और वो दोपहर का समय है तो पानी की प्यास लगती होगी उनको, तो वह यहाँ ज़रूर पानी पीने आते हैं। तो आगे जाते हैं, यहाँ रिवर पॉइंट है, तो हम चलते हैं वहाँ पर, आपको दिखाने का प्रयास करते हैं, हो सकता है वहाँ पर पाल करो। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कितने कितने खूबसूरत पेड़ हैं, इधर साइड देखिए आप। अभी ये रिवर साइड है, मगर यहाँ पानी नहीं है अभी, क्योंकि अभी बरसात नहीं पड़ी, क्योंकि पानी कम आ रहा है ऊपर से। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल सूखा पड़ा है सामने, यहाँ बिल्कुल सूखा पड़ा है, ये छोटा सा नाला है, उसके आगे जाके बड़ी रिवर साइड है, तो अभी वहाँ हम नहीं जा रहे, हो सकता है वहाँ खतरा भी हो सकता है कुछ। देखिए दोस्तों, जैसे हमने बताया कि यहाँ पर वन्य जीव पानी पीने आते हैं, तो यहाँ पर हमें एलिफेंट की पोटी मिली है यहाँ पर, देखिए फ्रेश तो नहीं है, हो सकता कल की हो या आज मॉर्निंग की हो, और यहाँ आते ज़रूर हैं पानी पीने के लिए। देखिए दोस्तों, सामने से रिवर आती है, पानी आता है यहाँ से, और सीधा इस तरीके से कोसी बराज की तरफ, इधर आके कोसी बराज है। मैं आपको जादव का व्यू दिखाता हूँ, कैसा व्यू है यहाँ जंगल का, आप फॉरेस्ट का मज़ा लीजिए दोस्तों, जो दूर दराज हमारे यूट्यूबर फैमिली हैं, तो वो फॉरेस्ट का मज़ा ले सकते हैं घर बैठे बैठे, और इस ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए। देखिए आप, कई तरह के पेड़ होते हैं, कुछ पेड़ों का नाम हमें याद है, मगर कुछ पेड़ों के नाम याद नहीं है, और हवा बहुत अच्छी चल रही है यहाँ पर दोस्तों। दोस्तों, हम आ गए हैं छोटे नाले के पास, ये छोटा नाला है यहाँ पर, और यहाँ से पानी आते हुए और सीधा इस तरीके से जाता है। देखिए यहाँ पर हमेशा पानी पीने के लिए आते हैं, मगर अभी गर्मी का मौसम हो रहा है, तो यहाँ पानी की अभी व्यवस्था नहीं है, और फिर भी यहाँ घूमने के लिए वन्य जीव मिल जाते हैं। और देख, मैं आपको दिखाता हूँ पगमार्क, हो सकता है पगमार्क दिख जाए यहाँ पर, फ्रेश नहीं है। देखिए आप, टाइगर या लेपर्ड के पगमार्क हो सकते हैं, मगर फ्रेश नहीं, क्योंकि हवा चलती है गर्मी में ज़्यादा, तो उससे धूल चढ़ जाती है उनके ऊपर।
चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देखिए दोस्तों, सीतामढ़ी से पहले एक जगह पड़ती है, काफ़ी खूबसूरत जगह है और यहीं पर टाइगर साइटिंग शाम के वक्त बहुत ज़्यादा होती है। तो हम आपको शाम को दिखाएंगे अगर मिलती है तो। देखिए इधर कितना प्यारा व्यू है, बहुत ही प्यारा व्यू है दोस्तों। और चलते हैं हम आगे की तरफ, भी लगी हुई है। अभी गर्मी होने के कारण वो रोड पर नहीं आ रहे हैं और आपको नदी किनारे ज़रूर मिलेंगे। आगे एक नदी पड़ती है, वहाँ पहुँच कर आपको दिखाते हैं फिर मिलता है। तो अभी आप फॉरेस्ट का मज़ा लीजिए, ये कितने सुंदर सुंदर पेड़ हैं और अभी हरियाली आने वाली है, बहुत अच्छी वाली हरियाली आने वाली है। ये देखिए दोस्तों आप, कितना अच्छा व्यू है, बिल्कुल ठंडा व्यू है यहाँ का और बिल्कुल छांव भरा इलाका है। ये देखिए आप, इतना आराम मिलता है यहाँ पर इस जगह आके बहुत ज़्यादा। आप कभी भी आना हो आपको तो आप अवश्य आए यहाँ पर। जिम कॉर्ड पार्क जब भी आना हो तो आप सीतामढ़ी जोन ज़रूर आएँ, काफ़ी टूरिस्ट आ रहे हैं घूमने के लिए जगह जगह से। तो आप भी आएँ, वेकेशन का वक्त आ गया है तो अपने फैमिली को लेकर सब आए। देखिए दोस्तों, हमें स्पॉटेड डियर मिली है यहाँ पर, मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ, अगर जूम करके दिखती है तो। यहाँ पे थे स्पॉटेड डियर, अब चली गई अंदर। अभी भाई झाड़ी में छिप गई है स्पॉटेड डियर, बिल्कुल साफ साफ दिख रही थी। दोस्तों पिछले वाले ब्लॉग में आपने देखा होगा यहाँ पे एलिफेंट का पूरा झुंड था और इस यहाँ से क्रॉस होकर पूरा यहाँ निकला था, तो हमने उसमें साफ साफ दिखाया था। अब जाके अगर आपको समय मिले तो आप उस ब्लॉग में ज़रूर देखना। वो काफ़ी तसगर हाथियों का झुंड था, कम से कम 4 से 5 हाथी थे उसमें और उनका बेबी भी था एक यहाँ पर। तो अभी हम चलते हैं, आपको गाड़ियाँ भी आ रही हैं साइड में ले जाके, देखते हैं क्या होता है। दोस्तों तो आपको लेकर चलते हैं रिवर साइड पर, देखते हैं यहाँ पर कि पानी वानी पीने आते हैं नहीं आते टाइगर यहाँ पर। देखिए दोस्तों, इंतज़ार सही होता है। अभी हम आपको बता रहे कि टाइगर की सेटिंग देखी गई है यहाँ पर। ये देखिए आप, ये टाइगर के पगमार्क है यहाँ पर, इसको हमने राउंड कर दिया है और हम आपको दूसरा भी दिखाते हैं। देखिए ये भी टाइगर का पगमार्क है यहाँ पर। तो यहाँ आते हैं टाइगर ज़रूर, क्योंकि ये जगह ऐसी है, टाइगर की मनपसंद जगह है, क्योंकि ये जो फॉरेस्ट कहलाया जाता है सीतामढ़ी जोन है, सबसे ज़्यादा टाइगर यहीं पाए जाते हैं और यहीं पर एक रिवर साइड है और उसमें पानी पीने के लिए आते हैं। देखिए दोस्तों, अभी हम आगे चल रहे हैं, दिखाते हैं आपको यहाँ पर कुछ दिखाई देता है नहीं दिखाई देता है, क्योंकि अक्सर दोपहर का समय है, क्योंकि उनको प्यास लगती होगी तो वो ज़रूर आते होंगे। तो आप बन रहे हमारे साथ। देखिए दोस्तों, हम रिवर साइड आ गए हैं यहाँ पर, हम आपको दिखाते हैं, हो सकता है कोई वन्य जीव पानी पी रहा हो यहाँ पर। दोस्तों बन रहे हमारे साथ। और खूबसूरती की तो बात ही अलग है हमारे उत्तराखंड की, बहुत ही खूबसूरत है ये जिम कॉर्बेट पार्क। देखिए आपको मैं रिवर साइड दिखाता हूँ, ये देखिए आप, और यहाँ सामने बने हैं रिसोर्ट, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। देखिए आप, देखिए खूबसूरत सा रिसोर्ट है, इसका नाम तो नहीं पता हमें, एक रिसोर्ट सामने है, देखिए सामने। और काफ़ी काफ़ी समय तक वन्य जीव नदी किनारे बैठना पसंद करते हैं, क्योंकि ये ठंडा एरिया होता है और ठंड होने के कारण यहाँ पर उनको सुकून मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पानी पीने आते हैं लेपर्ड, एलिफेंट और टाइगर, और बाकी वन्य जीव भी और भी आते हैं। देखिए आप, कितना अच्छा व्यू है दोस्तों। जिम कॉर्बेट पार्क की बात ही अलग है, यहाँ पर अलग अलग तरह की चीज़ें आपको देखने मिलती हैं। जैसे रिवर साइड है, यहाँ पर इतनी अच्छी हवा चल रही है कि आपको मैं क्या बताऊँ, और काफ़ी सुंदर जगह है ये। देखिए आप, और गर्मी के मौसम में कहाँ आप दूर दूर हैं, आप आए यहाँ पर जिम कॉर्बेट पार्क घूमने के लिए और यहाँ का आनंद लें, और साथ साथ आपको वन्य जीव के साथ साथ यहाँ पर सुंदरता और खूबसूरती भी देखने मिलेगी। आपको का जो व्यू होता है ना, बहुत ही बढ़िया व्यू होता है। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ, सिनेमैटिक शॉट दिखाता हूँ आपको मैं। दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये जगह कैसी लगी
और ये जगह ढूंढनी पड़ती है अपने YouTube फैमिली के लिए, और काफ़ी मेहनत भी लगती है दोस्तों। तो इस मेहनत को हमारे सवार है और आपकी ज़रूरत है हमें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस ब्लॉग को सपोर्ट करें। तो मैं आपको दिखाता हूँ बैक कैमरे से, बाकी यहाँ का व्यू बहुत बढ़िया है और यहाँ मछलियाँ भी हैं यहाँ पर छोटी छोटी। मैं आपको मछलियाँ भी दिखाता हूँ। ये देखिए आप, शायद आपको दिख पा रही होंगी मछलियाँ। ये देखिए आप, अरे वाह। आप वेकेशन पर कहीं भी नहीं जाएं, आप जिम कॉर्बेट पार्क घूमने आएँ। जिम कॉर्बेट पार्क वो ऐसी जगह है जो बहुत ही खूबसूरत जगह है, और यहाँ पर मोटी मोटी मछलियाँ भी हैं, बड़ी बड़ी मछलियाँ भी हैं यहाँ पर, और बीच बीच में वो गायब हो जाती हैं। ये देखिए आप, देखिए दोस्तों, ये काफ़ी जानवरों के यहाँ पगबाग मिले हैं। अभी मिक्स हैं, मगर अभी हम कंफर्म नहीं है कि टाइगर के हैं, लेपर्ड के हैं या स्पॉटेड डियर के हैं। मगर एक ख़ास बात कि यहाँ पर फैमिली के साथ कुछ बच्चे भी आते हैं, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये बच्चों की चप्पल पड़ी। देखिए आप, ये बच्चे की चप्पल है, जो आना बिल्कुल भी गलत है यहाँ पर, या तो वो नहाने आते होंगे या कुछ पार्टी शार्टी करते हुए यहाँ पर। ये जो लोग घूमने आते हैं, मगर उनको यहाँ पर ये चीज़ें नहीं फेंकनी चाहिए नदी किनारे, या क्योंकि ये गंदगी फैलाना बिल्कुल गलत है और कानूनी अपराध है। तो आप जब भी आएँ तो अपनी पोलोथीन में या अपने बैग में, कैरी बैग में रख के लेके जाएँ और उसको डस्टबिन में फेंकें। और फिर भी लोग नहीं मानते, बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ पर ये बच्चे की यहाँ पर चप्पल है और ये बिल्कुल मिक्स निशान है। देखिए आप, पगमा के अभी हम चलने का प्रयास करते हैं। और दोस्तों, इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ, और आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।